टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 13 को लेकर लोगों में काफी क्रेज है, जो कि 29 सितंबर को टीवी पर शुरू होगा। हालांकि अभी इस शो में शामिल होने वाले कंटेस्टेंट्स की लिस्ट की ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, लेकिन खबरें हैं कि दिल से दिल तक फेम एक्ट्रेस रश्मि देसाई भी बिग बॉस 13 में हिस्सा होंगी। रिपोर्ट्स की माने तो वो इस सीजन की ऐसी कंटेस्टेंट हैं जिन्हें सबसे ज्यादा पैसे दिए गए हैं। रश्मि देसाई को बिग बॉस के घर में रहने के लिए 1.2 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। जी हाँ, इस शो का हिस्सा बनने के लिए रश्मि ने फीस के रूप में लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मांग की है। खास बात यह है कि उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स ने भी हामी भर दी है, जिस वजह से एक्ट्रेस रश्मि देसाई काफी खुश और उत्साहित हैं। खबरें तो ऐसी भी हैं कि इस शो में रश्मि अपने बॉयफ्रेंड अरहान खान के साथ शिरकत करेंगी। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि रश्मि इसी शो में बॉयफ्रेंड अरहान के साथ शादी रचाएंगी, मगर उन्होंने इन अफवाहों को खारिज करते हुए बोला कि वो ऐसी खबरों को सुनकर काफी परेशान है, जो कि बिल्कुल गलत है। बता दें कि रश्मि की पहले शादी हो चुकी है, लेकिन किसी वजह से उनका 2015 में पति नंदीश संधु से डिवोर्स हो गया था। पति से तलाक लेने के बाद रश्मि देसाई टीवी एक्टर अरहान खान को डेट करने लगी। अरहान खान फिल्मों में काम कर चुके हैं, साथ ही वे टीवी के पॉपुलर शो बड़ो बहु में भी एक अहम किरदार निभा चुके हैं। रश्मि और अरहान की मुलाकात 2017 में युविका और प्रिंस की शादी के दौरान हुई थी, तभी से दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक रश्मि और अरहान दोनों ही अपने रिलेशन को सीक्रेट रखना चाहते हैं और अपने रिलेशनशिप पर कुछ भी नहीं बोलना चाहते। अगर बात रश्मि की प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ की करें तो वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती हैं। रश्मि ने 18 साल की उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने बीग्रेड फिल्मों से करियर का शुरुआत किया। शायद ही आप जानते हो कि रश्मि का असली नाम दिव्या था, लेकिन उन्होंने फिल्मों के लिए अपना नाम रश्मि चुना। भोजपुरी फिल्मों के बाद रश्मि ने छोटे पर्दे पर किस्मत आजमाई। रश्मि सबसे पहले साल 2006 में रावण नाम के सीरियल में दिखाई दी थी, मगर उन्हें असल पहचान शो उत्तरण से मिली और इसी शो के कारण वो घर घर में पॉपुलर भी हो गई। मगर टीवी सीरियल्स में नाम कमाने के बाद भी रश्मि का भोजपुरी फिल्मों पर काम करना जारी है। जी हाँ, वो अभी भी भोजपुरी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। बता दें कि 27 सितंबर को बिग बॉस 13 का प्रीमियर होगा और इस बार शो में कई बदलाव किए गए हैं। सलमान के साथ शो में अमीषा पटेल का भी अहम किरदार होगा। इतना ही नहीं, इस साल शो में आम लोगों की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ सेलिब्रिटीज कंटेस्टेंट ही खेल खेलते नजर आएंगे। अब ये देखना है कि कौन इस शो में बाजी मारेगा और किसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी टीवी और फिल्मी गलियारों से जुड़ी हुई लेटेस्ट गॉसिप्स जानने के लिए देखते रहें फिल्मी पंचायत।